आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबरों की सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर की, जिसका एक फेसबुक पोस्ट विवाद का विषय ऐसा बना कि छात्राओं ने साफ कह दिया कि जो प्रोफेसर अपने अंदर महिलाओं को लेकर इतनी हीन भावना रखता है उससे हम नहीं पढ़ेंगे। मामला बढ़ा तो उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, कहा क्यों ना प्रोफेसर साहब के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाए और उन्हें पद से हटा दिया जाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की विवादित फेसबुक पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की एक टीम इस मामले में यूनिवर्सिटी की VC से मिलेगी। इतना ही नहीं, आयोग ने पश्चिम बंगाल के DGP को भी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में कनक नाम के प्रोफेसर पिछले 20 वर्षों से इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे हैं। उनकी पोस्ट को लेकर आलोचना हुई तो उन्होंने माफी मांगने की बजाय उस पर सफाई दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने व्यक्तिगत विचार लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट के सेक्शन 66 को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दे दिया है। मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी सबूत के नहीं लिखा। मैं सोशल रिसर्च कर रहा हूं और समाज की अच्छाई और भलाई के लिए लिख रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कंफ्यूज ना हो। मैंने महिलाओं के समर्थन में भी कई पोस्ट लिखे हैं। इधर प्रोफेसर के विवादों में आने के बाद छात्रों ने HOD से प्रोफेसर को क्लास में आने से रोका जाए ये सिफारिश की। छात्रों ने कहा कि प्रोफेसर के विचार पश्चिमी राजनीति से प्रेरित हैं और वो छात्रों को विदेशी संविधान पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी आरोप लगाए। पर अगर आपको लगता है कि शिक्षक जो है अपने आप को परमानेंट करने की मांग को लेकर अस्थायी शिक्षक जो है सिर्फ देश की सड़कों पर उतरते हैं, ऐसा ग्रीस में भी होता है। और जब ग्रीस में हुआ तो उनको रोकने के लिए किस तरह से आंसू गैस के गोले बरसाए गए और हिंसक प्रदर्शन हुआ ये भी जान लीजिए। गुरुओं पर बरसे गोले और सड़क पर मच गया कोहराम। तस्वीरें ग्रीस की हैं जहां स्थायी नौकरी की मांग करते हुए हजारों शिक्षक सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे। स्टिक लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक बेकाबू होने लगे तो सुरक्षा बलों ने भी कड़ा रुख अपनाया और आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए और पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाने लगे। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब एथेंस में शिक्षक और पुलिस के बीच भीषण संग्राम छिड़ा है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि ग्रीस में शिक्षक और स्कूल स्टाफ की कमी है लेकिन सरकार स्थायी बहाली क्यों नहीं कर रही। ढोल नगाड़ों और नारों के साथ विरोध करते हुए शिक्षक ग्रीस के पार्लियामेंट की ओर बढ़ने लगे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये हिंसक झड़प हुई। और किस तरह से लोकल में हादसे जो है थमने का नाम नहीं ले रहे। दादर में जल्दबाजी में लोकल में ट्रेन चढ़ने की गलती जो है महिलाओं ने फिर से की और खमियाजा क्या हुआ आप खुद देखिए। तस्वीरें दादर स्टेशन की हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लोकल ट्रेन खड़ी है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग गेट पर लटके हुए हैं। बावजूद इसके ये महिला तेजी से प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाती है लेकिन उसकी हड़बड़ी हादसे की वजह बन जाती है। जैसे ही महिला ट्रेन की गेट तक पहुंचती है ट्रेन चल पड़ती है और इस महिला की दूसरी महिला से टक्कर हो जाती है। दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ते हैं। गनीमत ये रही कि वहां एक पुलिस वाला अलर्ट था और उसने फौरन दोनों महिलाओं को खींचकर ट्रेन से दूर किया। यह हादसा बड़ा नहीं हुआ। हादसे का वीडियो कल रात 10 बजे का है। और अब आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ जब मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जो हैं वो अपने गृह जिला सागर पहुंचे। नेताजी पर नोटों की बरसात हुई और नेताजी कुछ इस कदर भूल गए इस जश्न में स्वागत में कि ना तो शब्दों का ध्यान रहा और ना ही ये कि जनता ने उन्हें नकार दिया। नेताजी के सम्मान में नोट उड़े आसमान में। सागर में BJP विधायक गोपाल भार्गव का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। ढोल नगाड़ों की गूंज पटाखों की आवाज। गोपाल भार्गव जोश में हैं और समर्थकों को भी होश कहां। विधानसभा चुनाव के बाद वो पहली बार सागर आए हैं तो स्वागत ऐसा कि मानो मंत्री जी आए हों। और जोरदार स्वागत ने नेताजी को कुछ यूं बहकाया कि जनाब की जुबान सियासी विरोधियों का सम्मान भी भूल गई। कहते कहते वो कुछ ऐसा कह गए कि विवाद बढ़ा हुआ है। 11 दिसंबर को जो परिणाम घोषित हुआ था रात को, उससे एक बीमार औलाद का जन्म हुआ है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लूली लंगड़ी बीमार औलाद पैदा हुई है, कितने दिन तक जी सकेगी। जनाब वैसे तो ये बातें कांग्रेस के लिए कह रहे हैं जो सियासत की मर्यादा भी लांघती हैं और सभ्य समाज में नैतिकता के पैमाने पर भी खरा नहीं उतरती। और इन बातों में वो जनता भी आहत होगी जिसने BJP को सूबे में नकार दिया। चुनाव नजदीक है और ऐसे में भाषा और मर्यादा बार बार तार तार होगी। ताजा उदाहरण है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने किस तरह से ट्वीट दर ट्वीट करके एक नए बवाल को जन्म दे दिया। मौका था रामविलास पासवान को जवाब देने का लेकिन मर्यादा एक बार फिर भूले। जब चुनाव होगा तो फिर रामविलास पासवान को सब जाति का लोग कहेगा कि नेता है कि नहीं है। अभी तो नारा लगवाते हैं अपना नेता बन जाते हैं, अंगूठा छाप लोग तो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाता है। रामविलास पासवान की ये बातें तेज प्रताप यादव को नागवार गुजरी। तेज प्रताप को ये उनकी माँ राबड़ी देवी का अपमान लगा तो वो पासवान पर हमलावर है। तेज प्रताप ने लिखा है, नारी जन्म देती है, ममता देती है और माफ भी कर देती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि नारी का अपमान करने वाले बड़े बड़े रावण और दुर्योधन भी नहीं बचे, तो इन मौका परस्त नेताओं की क्या औकात है। उनका जो शब्द का जो दिन पर दिन जो गिरावट हो रहा है, जिस तरीके से ये जो चुनाव किए हैं एक महिला होने के नाते, उसमें भी वो मेरी माता है तो
हमने ट्वीट करने का काम किया। तेज प्रताप का गुस्सा इतना भर नहीं, उन्होंने ट्वीट के साथ एक फोटो भी शेयर की जिसमें राबड़ी देवी को दुर्गा के अवतार में दिखाया गया है। और साथ ही तेज प्रताप ऐलान कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो रामविलास पासवान का घेराव भी करेंगे और जनता उनका राजनीतिक वध कर देगी। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने रामविलास पासवान के लिए महागठबंधन के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। और कर्नाटक का सियासी संकट एक बार फिर उभर रहा है। दो निर्दलियों ने अपना समर्थन वापसी का ऐलान किया जेडीएस कांग्रेस सरकार से। सरकार तो अल्पमत में नहीं आई है, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस जेडीएस ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है। एच नागेश और आर शंकर, कांग्रेस जेडीएस सरकार में शामिल रहे इन दो विधायकों ने समर्थन वापसी का ऐलान किया तो कर्नाटक में सियासी उठापटक तेज हो गई। पिछले तीन दिन से चल रही सियासी गहमागहमी के बीच कांग्रेस और जेडीएस अलर्ट है। कर्नाटक में कांग्रेस के प्रभारी केसी वेणुगोपाल बैठकें कर रहे हैं, अपने विधायकों की एकजुटता का दावा कर रहे हैं, तो कुमारस्वामी भी हमलावर है। ये आरोप एक तरफा नहीं, येद्रप्पा बीजेपी विधायकों के साथ गुरुग्राम पहुंचे हैं। दावा है कि उन्हें कोचल में रखा गया है। वैसे तो रविवार को अमित शाह से मुलाकात भी होनी थी, लेकिन अब तक ये भेंट हो नहीं सकी और बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है। हमारे एमएलडीएस को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए हर तरह के प्रलोभ उनको देना, यह जो कांग्रेस की और जेडीएस की जो राजनीतिक संस्कृति को दिखाती है। दोनों ओर से आरोपों के तीर चल रहे हैं। हालांकि फिलहाल सरकार पर संकट नहीं दिखता, क्योंकि 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का जादू आंकड़ा 113 का है और कांग्रेस जेडीएस के पास दो विधायकों के समर्थन वापसी के बाद भी 117 विधायक मौजूद हैं। लेकिन सियासी उठापटक जारी है और कर्नाटक में फिलहाल राजनीति तेज है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बाद इस बार बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन कुछ खास था। मायावती के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने अखिलेश परिवार सहित पहुंचे तो बीएसपी सुप्रीमो ने भी एक खास तोहफा मांगा। क्या नेता क्या कार्यकर्ता, मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दो दिन पहले एसपी बीएसपी में गठबंधन का ऐलान हुआ तो बधाई देने अखिलेश यादव खुद पहुंचे। उधर कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते ही बना। अमरोहा से बुलंदशहर तक केक काटे गए, मायावती की लंबी उम्र की कामना की गई। लेकिन मायावती को अपने कार्यकर्ताओं से चाहिए एक खास तोहफा। वो जानती है 2019 की लड़ाई कितनी अहम, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीधा पैगाम दिया। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूं, अपने पुराने सभी गिल्ले शिकवे भुला के मैं अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके अपने बने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। एसपी बीएसपी दोनों के कार्यकर्ताओं को मिलकर उन्हें तोहफा देना है तो अपील भावनात्मक भी और संदेश सियासी भी कम नहीं। जेएनयू में साल 2016 में देश विरोधी नारे गूंजे, लेकिन दिल्ली की स्मार्ट पुलिस, जी हां स्मार्ट पुलिस को 3 साल लग गए। चुनावी साल में जाकर ये जांच पूरी हुई, चार्जशीट दाखिल हुई, कोर्ट में मामला पहुंचा, सुनवाई 19 जनवरी के लिए टल गई, लेकिन सियासत गर्मा गई। 3 साल पहले जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे किसने लगाए, इस बात की जांच दिल्ली पुलिस पूरी कर चुकी है। आरोपों के घेरे में छात्र नेता कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, बल्कि पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित भी करार दे रहे हैं। के जो घटना घटी उसमें न कन्हैया कुमार का कोई रोल है, न जेएनयू के किसी भी स्टूडेंट का रोल है। पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार मिल करके ये पटकथा लिखी है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू नारेबाजी कांड में करीब 1200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में 10 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। मामले में एबीवीपी के नेता कन्हैया पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। उस लैब ने सारे वीडियो को ऑथेंटिक पाया है, उसको ट्रू पाया है, उसके बिना पे चार्जशीट दाखिल हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं बिना अगर सबूत कुछ नहीं था तो दिल्ली पुलिस ने ये चार्जशीट कैसे दाखिल किया। फिलहाल एक बात साफ है कि जेएनयू में विवादित नारेबाजी का जिन फिर से बाहर आ चुका है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 19 जनवरी को की जाएगी। और तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार और परंपरा के नाम पर एक बार फिर पशु क्रूरता और खतरनाक खेल जल्लीकट्टू खेला गया। एक तरफ पूरा तमिलनाडु पोंगल के जश्न में डूबा है तो वहीं सूबे के कई इलाकों में आस्था के नाम पर खतरनाक खेल देखने को मिला। मदुरई में सैकड़ों लोगों ने जानलेवा खेल जल्लीकट्टू में भाग लिया। लोगों ने पहले बुल को भड़काया और फिर जब बेकाबू होकर बुल दौड़ पड़ा तो खिलाड़ी उसके पीछे भागने लगे। इस खतरनाक खेल में एक बुल और 14 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन बावजूद इसके खेल रुका नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी जल्लीकट्टू में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। बताया जा रहा है कि करीब 250 सालों से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का खेल खेला जा रहा है। वहां जीतने वाले को इनाम भी मिलता है और इस आयोजन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। बढ़ते हादसे और पशु क्रूरता को देखते हुए इस पर बैन की मांग भी उठी। मामला कोर्ट तक गया लेकिन राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पोंगल में जल्लीकट्टू खेल को हरी झंडी दे दी थी। जिन दो महिलाओं ने साहस दिखाकर तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की, सबरीमाला माँ अप्पा के दर्शन कर उनमें से एक महिला को उसी के घर में महिला से चुनौती मिली। जी हाँ, उसकी सास इस बात से नाराज थी कि वो सबरीमाला मंदिर में क्यों गई और उसे जमकर पीटा।
कनक दुर्गा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल के सबरीमाला मंदिर में पहली बार दर्शन करने वाली महिला है, लेकिन आरोप है कि उनकी सास ने ही उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जहां फिलहाल वो ठीक हैं। उन्होंने सास के खिलाफ पेरेंथल मन्ना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कनक दुर्गा ने अपनी साथी बिंदु के साथ 2 जनवरी को भगवान अयप्पा के दर्शन किए। बताया जाता है कि इसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण भी हुआ। हालांकि 2 जनवरी के बाद से ही कनक दुर्गा सामने नहीं आई थी। उस वक्त मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सभी महिला दर्शनार्थियों की पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया। हालांकि उनकी सास ने हमला क्यों किया ये अभी साफ नहीं है, लेकिन मंदिर में दर्शन करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी चिंता सताने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 10 महिलाएं भगवान अयप्पा के दर्शन कर चुकी हैं। और आइए अब देखते हैं जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर क्राइम के टुकड़े। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मारपीट की तस्वीरें आई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में कुछ सिक्योरिटी गार्ड एक शख्स की पिटाई करते हुए नजर आते हैं। किस वजह से शख्स की पिटाई हुई ये साफ नहीं, लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की पिटाई के आरोप में 2 दिन से हड़ताल चली और लाखों मरीज बेहाल होते रहे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस महकमे की अनदेखी का मामला सामने आया। पुलिसकर्मी के बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने में लगा 20 साल। अब जाकर पुलिस ने दर्ज किया मामला। 20 साल बाद अपहरणकर्ता की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर के एक शुगर मिल में कर्मचारी की संदिग्ध मौत से मचा हंगामा। आरएलडी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने मिल पर किया हंगामा। धरना प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने 50 लाख मुआवजे और एक नौकरी की मांग रखी। बाराबंकी में पुलिस ने 5 छात्र बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर ठगी, लूट और चोरी के दर्जनों मामले दर्ज। बदमाशों के पास से चोरी की 3 बाइक, तमंचा और काफी मात्रा में नकदी भी बरामद। पानी पिलाना यूं तो पुण्य का काम होता है, लेकिन पानी पीने के बहाने कोई घर लूट ले जाए तो अगली बार पानी कैसे पिलाए। घर में बिखरा पड़ा सामान, खुली हुई पेटी और दहशत में घर वाले। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में इस घर का जरा जरा वारदात की कहानी बयां कर रहा है। घर के दरवाजे पर किसी की बारात चढ़ रही थी कि तभी 2 लोग आए, पीने के लिए पानी मांगा और जब उन्हें पानी दिया गया तो बदमाशों ने हाथ पकड़ लिया, कनपट्टी पर बंदूक तान दी और फिर पूरे घर को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। 8:30 बजे घुसे थे और 11 बजे निकले घर में से। 12 बजे पुलिस आई थी, 11 बजे निकल के गए, 12 बजे पुलिस आई थी क्योंकि हमारे हाथ पंप बंधे छोड़ गए, मुंह बंधे छोड़ गए और बाहर से गेट लॉक कर दिया। बदमाशों ने 50,000 नकद और करीब 2 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ किए हैं। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। 30 सेकंड में हो सकता है बाइक स्टार्ट आराम से ना हो, सर्दी का मौसम है, लेकिन बिहार में 30 सेकंड में बाइक चोरी हो जाती है। बाइक पर ये शख्स यूं बैठा है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन ये वो शातिर है जो चंद पलों के बाद ही वारदात करने वाला है। जरा गौर से देखिए, बाइक पर सवार होकर 2 लोग आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ पलों बाद ये शख्स उठ खड़ा होता है, फोन पर बात करने के बहाने आगे बढ़ता है और इस बाइक में यूं चाबी लगाता है जैसे बाइक किसी की हो। फिर ये बाइक को लेकर फुर हो जाता है। इसके वहां से जाने के बाद दूसरा साथी आगे बढ़ता है और जिस बाइक पर पहला बदमाश बैठा था उसे लेकर वहां से निकल जाता है। मोटरसाइकिल चोरी गई, ठीक, अब केस मिलेगा, अनुसंधान करेंगे, उसके कार्रवाई करेंगे। वैशाली के चकौसन बाजार में ये वारदात 11 जनवरी को हुई और अब इसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आईं तो पुलिस तस्वीरों में कैद इन दोनों बदमाशों को तलाशने में जुट गई है। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के जवानों ने कैसे एक गाय का रेस्क्यू किया। नदी की धारा में फंसी एक गाय तो बचाने के लिए गोताखोरों ने लगा दी अपनी जान। तस्वीरें चमोली की हैं जहां एक गाय अचानक अलकनंदा नदी की धार में फंस गई। ये घटना आईटीबीपी कैंप के पास हुई थी, लिहाजा खबर मिलते ही रेस्क्यू करने को जवान पहुंच गए, लेकिन कड़ाके की सर्दी के बीच अलकनंदा की तेज धार में उतरना और गाय तक पहुंचना आसान नहीं था। तब एक गोताखोर ने पहाड़ों रेस्क्यू का सहारा लिया और उतर गया नदी के तेज बहाव में। लहरों से मुकाबला करते हुए जवान पहले गाय तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे मुसीबत में फंसी उस गाय को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और अब जानते हैं खेल के मैदान की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स का टुकट। धोनी विराट के डबल धमाल से एडिलेड वनडे में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेट पर 298 रन के जवाब में टीम इंडिया ने 49.1 ओवर में 4 विकेट पर 299 रन बनाकर जीत दर्ज की। सीरीज का आखिरी और निर्णायक वनडे मैच 18 जनवरी को खेला जाना है। कप्तान कोहली ने कमाल की पारी खेलते हुए एडिलेड में जड़ा 39वां वनडे शतक। विराट ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 104 रन की पारी खेली और इस शतक के बाद विराट अब सचिन के 49 वनडे शतक के रिकॉर्ड से सिर्फ 10 शतक दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट का ये 8वां और ऑस्ट्रेलिया में 7वां वनडे शतक है। विराट को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। एडिलेड वनडे में हुई फिनिशर धोनी की वापसी। धोनी ने लगातार दूसरे वनडे में 8 शतक जड़ते हुए 54 गेंदों पर नाबाद 55 रनों की पारी खेली। पिछले मैच में धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचना झेलने वाले धोनी ने इस बार छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया तो विनिंग रन लेकर टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। एडिलेड वनडे में टीम इंडिया के पेसर्स ने भी लहराया परचम। स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने 45 रन देकर 4 बल्लेबाजों को चलता किया तो शमी ने 58 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल मामले की जांच कर रहे बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी ने दोनों से फोन पर पूछताछ की। टॉक शो में महिलाओं के खिलाफ अश्लील कमेंट की वजह से पांड्या राहुल को बोर्ड ने जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर रखा है। और क्या बिहार का आरा स्टेशन नीलामी की कगार पे खड़ा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेलवे और निगम के बीच विवाद है।
बताया जा रहा है कि रेलवे ने 32 लाख रुपए से ज्यादा का सर्विस टैक्स नहीं चुकाया और ये टैक्स 1996 से नहीं भरा जा रहा था। ये पैसे तब महज 53,000 रुपए थे, लेकिन अब बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसके बाद नगर निगम कार्रवाई की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि अगर बकाया रकम 15 दिनों में नहीं चुकाई गई तो संपत्ति नीलाम हो सकती है। दावा है कि रेलवे को नगर निगम ने अब तक 8 रिमाइंडर भेजे हैं। पैसे क्या हो रहा है सर, से भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला है, बात करेंगे इस बारे में ऐसा कैसे हुआ। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे किसी भी तरह के बकाए से इनकार कर रहा है। दावा किया जा रहा है जब जमीन से लेकर सड़क तक रेलवे का है तो फिर टैक्स कैसा। और अब दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, हिंदुस्तानी दिल में डलेगा हिंदुस्तानी स्टेंट। जी हाँ, अब इसको मंजूरी मिल गई है और ये आम विदेशी स्टेंट से लगभग जो पूरा खर्चा है ऑपरेशन का वो 10 लाख रुपए कमाएगा। दिल के मरीजों को अब देश में मिलेगा सस्ता और कारगर इलाज। अब दिल के मरीजों को नहीं करानी पड़ेगी बाईपास सर्जरी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मेड इन इंडिया हार्ट वॉल्व लगाने को मंजूरी दे दी है। बिना ओपन हार्ट सर्जरी के इन वॉल्व को पैर की नसों के सहारे दिल में लगाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी अब 10 लाख रुपए तक सस्ती हो जाएगी। पहले वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करीब 25 लाख रुपए की होती थी, मगर अब ये सर्जरी 12 से 15 लाख में हो सकेगी। करीब 1.5 साल तक इसका प्रयोग हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा 11 मरीज राजस्थान के थे। अप्रूवल के बाद पहली बार 22 जनवरी को इंडियन वॉल्व एक मरीज को लगाया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इंडियन वॉल्व सस्ते होने के साथ साथ क्वालिटी में भी बेहतर है। सियासी मौसम है तो ऐसे में नेताओं के घर शादी हो तो कार्ड जो होते हैं शादी के वो भी सियासी हो जाते हैं। कहीं भगवान की जगह नेताओं की तस्वीरें ले लेती हैं तो कोई कन्यादान की जगह कहता है पार्टी फंड में पैसा दे दे। शादी का एक अनोखा कार्ड जिसमें भगवान गणेश की जगह सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं की तस्वीर लगी है। ये कार्ड छपाया है राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ता राजेंद्र बैरवा ने। नेताओं के प्रति अपनी दीवानगी दिखाने के लिए अपने बेटी की शादी का कार्ड उन्होंने इतने अनोखे अंदाज में छपाया कि पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा हो रही है। कि परंपरा तोड़ने से विकास संभव है, तो परंपरा तोड़ी है हमने। अब विकास है इस देश के अंदर, नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है। 21वीं सदी का भारत है, कंप्यूटर का जमाना है। शादी के कार्ड में भगवान गणेश की जगह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं की तस्वीरें छपी हैं। कांग्रेस के नेताओं के ठीक नीचे बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध और गुरु घासीदास जैसे संतों की तस्वीर है। शादी के कार्ड के लिफाफे में भी कुछ इसी तरह की राजनीतिक सजावट की गई है। इसमें संसद की तस्वीर में राहुल गांधी और उसके ठीक नीचे राजस्थान विधानसभा के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीर है। ये शादी 29 जनवरी को अलवर जिले में होनी है। और अब आपको दिखाते हैं, मकर संक्रांति के साथ ही कुंभ का पहला शाही स्नान हुआ और साथ ही 49 दिन तक चलने वाले कुंभ महोत्सव की शुरुआत हो गई। मकर संक्रांति, प्रदेश विदेश से आए लाखों लोग प्रयाग में जुटे और आस्था की डुबकी लगाई। प्रयाग में हो रहे महाकुंभ का यह पहला शाही स्नान था। कुंभ में शाही स्नान से पहले अखाड़ों की पेशवाई निकाली गई। गाजबाजे के साथ साधु संत गंगा तट तक पहुंचे। अखाड़ों की पेशवाई के दिन साधु संतों का अजब गजब रंग भी देखने को मिला। कहीं कार और वैन को ही रथ का आकार दे दिया गया तो कहीं ट्रैक्टर को बना दिया गया शाही रथ, जिसमें सवार होकर निकला साधु संतों का एक धड़ा। शाही स्नान के पहले दिन साधु संतों ने संगम तट पर डांस भी किया। नाच गाकर थिरकते हुए कई साधुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जब तमाम अखाड़ों के संत संगम के तट की ओर बढ़ रहे थे, उस वक्त आसमान में अचानक हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और भक्तों और साधुओं पर करने लगे फूलों की बरसात। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आस्था की डुबकी लगाई और अपने ट्विटर हैंडल से इसकी तस्वीरें पोस्ट की। पहले शाही स्नान के साथ ही 49 दिन तक चलने वाले कुंभ का आगाज हो गया है। 4 मार्च तक करीब 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर, वर्ल्ड कप क्रिकेट। उत्तरी इसराइल में बाढ़ ने मचाई तबाही। अचानक हुई भारी बारिश से शहर की सड़कों में उतरा सैलाब। शहर में नदी का पानी घुसने से कई कार फंसी। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे एक ड्राइवर और एक बच्चे को घंटों की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। जोरदार धमाके से दहल उठा दक्षिणी रूस का शक्ति शहर। गैस धमाके में मल्टी स्टोरी के कई फ्लोर हुए धराशाही। धमाके में एक शख्स की मौत, 4 लोग अभी लापता। ड्रोन फुटेज में सामने आई धमाके के बाद तहस नहस बिल्डिंग की तस्वीर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की को दी धमकी। कहा, सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अगर कुर्द लड़ाकों पर हमला हुआ तो टर्की को आर्थिक रूप से तबाह कर देंगे। वहीं टर्की ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जापान में सैकड़ों लोगों ने बर्फीले पानी में लगाई डुबकी। आत्मा की शुद्धि के लिए हर साल जापान में लोग इसी तरह बर्फीले पानी में स्नान करते हैं। नए साल में टोक्यो में लोगों ने पहले एक खास अनुष्ठान किया और फिर बर्फीले पानी में लगाने लगे डुबकी। और हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया के यूरोपीय देशों में 30 देशों में कहा जा रहा है इस वक्त बर्फ का अटैक है। हिंदुस्तान के 3 राज्यों में हो रही है सफेद बारिश तो दुनिया भर के करीब 30 देश बर्फीली आफत से जूझ रहे हैं। यूरोप हो या फिर अमेरिका, हर तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में तो इस कदर बर्फबारी हो रही है कि सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है और सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रिया के ज्यादातर इलाकों में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा की बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई है। वहीं अमेरिका में भी बर्फबारी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। वाशिंगटन में बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए।
तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। आज के लिए इतना ही, कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।